रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे मत बैठ थककर ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मित्रों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आपके मन में सिलेबस से रिलेटेड आपको नहीं पता है कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तथा किस किस चैप्टर से, या केमिस्ट्री क्या जाए आपके मैथ हो तो किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे संबंधित आपको हम हर चीज बताने वाले हैं। तथा अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो जो पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है वो हर स्टेट का क्या होता है, सेम होता है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होते हैं वो हर स्टेट के जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे H2O का अगर आप जल कहोगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या बिहार में जाकर उसका पनीर हो जाएगा? नहीं, जल ही होगा। जो सिलेबस होता है सेम होता है, जो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, कहीं पर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कहीं पर ऑफलाइन होते हैं, ये चेंज होते हैं, लेकिन जो पेपर होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए, हम अगर बात करें यूपी के बारे में, तो आपको हम हर चीज समझाने वाले हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथा उसके पहले आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो उसका चयन प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2023 में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन कैसे पा सकते हो, तो सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि फिजिक्स के कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के जिसे आप लोग क्या बोल देते हो रसायन विज्ञान, या मैथ के कहां से और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म अभी आया नहीं है, आने वाला है, कब आने वाला है, इससे रिलेटेड अगर आपको जानना है तो लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो जाकर आप देख सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा, कंप्यूटर के सामने बैठ कर आपको क्या है, एग्जाम देना होगा। फिर आपका क्या होगा दोस्तों, काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, घर बैठे काउंसलिंग होती है, परेशान होने की बात नहीं है। जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, 2 साल से मैं करवा रहा हूं बच्चों का काउंसलिंग। फिर आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा, 250 रुपये काउंसलिंग फीस होती है, उसके बाद में आप जाकर एडमिशन करवा सकते हो, आप स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको क्या है, समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं जो आपके पॉलिटेक्निक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिजिक्स से टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, कहीं नोट करना चाहते तो 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी कि टोटल जो आपके बन गए 400 नंबर के बन गए, है ना। ये आप देख सकते हो, जब 100 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 नंबर के हो जाएंगे। इसमें 1/4 क्या है, निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि नकारात्मक अंक होता है, नकारात्मक अंक। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, है ना, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिया जाता है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। दोबारा बता दूं, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। जब एक क्वेश्चन क्या है गलत करोगे तो 1 नंबर क्या है काट लिया जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस क्या है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फिजिक्स से 25 क्वेश्चन 100 नंबर, ऐसे केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, है ना, मैथ से भी 50 क्वेश्चन, आपके कितने हो जाएंगे, ये 200 मार्क्स के हो जाएंगे। आपको इस चीज को नोट कर लेना, बार बार वीडियो देखोगे टाइम नुकसान होगा, तो डायरी उठाइए और इसको नोट करिए, देखिए मत, है ना। तो जल्दी से क्या है, आप इस चीज को नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम आगे बात करें कि किस चैप्टर से हमारे कितने प्रश्न बनते हैं, तो देखिए, जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे यूपी के चाहे बिहार के पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक, उसका जो फ्री में बुक, उसका PDF पड़ा हुआ है, जो 250-300 रुपये आपको मार्केट में मिलती है, उसका PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप पढ़ सकते हो जब तक आप बुक नहीं परचेस कर पा रहे हो, है ना। तथा पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर पेपर हो तथा जो सिलेबस का भी PDF आपको पड़ा हुआ है, और इस जो हमारे पास बुक है हरियन की बुक है, इसका मैं खींच कर इसकी साइड या कैमरा के माध्यम से खींच कर मैं आपको क्या है अपने टेलीग्राम पर भेज दूंगा, तो वहां पर आप फाइल वाले सेक्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं इसको एक एक करके लिखूंगा तो टोटल के टोटल लगभग में आपके 100 चैप्टर बनेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला के,
सौ चैप्टर यानी कि 100 चैप्टर, तो 100 चैप्टर लिखूंगा तो कम से कम आधा घंटा समय नुकसान होगा, है ना। तो आप आधा घंटा समय अगर आप अपना बचाना चाहते हो तो इसे मैं खींच कर फोटो अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से यूट्यूब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने। देखिए हमने जैसा कि मैंने कहा कि 100 आपके क्वेश्चन आएंगे और लगभग में 100 चैप्टर है ना, आप देख सकते हो इसमें टोटल के टोटल आप अच्छे से देखिए आपके 37 से 38 क्वेश्चन आपके मैथ फिजिक्स के मिल जाएंगे, 32 यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे करके 70 आपके क्या है फिजिक्स से हो जाएंगे केमिस्ट्री मिलाकर, और 35 से 40 आपके जो चैप्टर होते हैं वो मैथ से, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन और 100 चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर एक नंबर का कम से कम ना पूछा जाता है, तो हर चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको नहीं पता है कि पॉलिटेक्निक में बेस्ट बुक कौन सी है, भैया हमको कौन सी बुक लेना चाहिए, तो ये मेरे पास विद्या हरिहंत, मैंने भी पॉलिटेक्निक किया हुआ है, मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम निकाला हुआ है, तो अगर आप विद्या हरिहंत की लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर आपको और अच्छे से जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो जाकर आप देख सकते हो, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी संशय है मैं आपको बता दूँ कि जो आपका मैथ आता है इसमें अर्थमैटिक यानी कि अंकगणित आता है, हिंदी में लिख दूं अंकगणित, अंकगणित यानी कि लासा मासाप हो गया है ना, सरलीकरण या सरलीकरण हो गया, औसत हो गया, एवरेज हो गया, कक्षा 6 से लेकर यानी क्लास 6 से लेकर 9th तक जितना आपने पढ़ा हुआ है वो पूछा जाएगा, और एडवांस पार्ट में हमारा आ जाता है ना, एडवांस में हमारा आ जाता है जैसे आपका वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, कराधान, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये सब चैप्टर आपके क्या है बन जाते हैं एडवांस मैथ में। तो मैथ आपका दो तरह पूछा जाए, अंकगणित एडवांस, इन सब के लिए मैंने बुक भी बताई हुई है, आप सर्च कीजिएगा पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक, क्या सर्च करना है आपको, पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक, बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करना रहा करें तो आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश लगाओगे तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, सारी चीज़ मुझे पता है, मैंने दो साल से लगातार स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलवा रहा हूँ, तो राजेश यानी कि सिलेक्शन विथ राजेश आपको सर्च करना होगा और आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो तथा मित्रों अगर इससे रिलेटेड कोई भी संशय है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, तथा ये वीडियो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो भी करना चाहते हैं, तो जो डाउट आपके मन में था वो भी उनके मन में हो सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो मित्रों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।